अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिसको सुनकर और देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको व्हाट्सएप की ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल है, और वो ट्रिक और टिप्स यूज़ करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या आप जानना चाहते हैं वो टिप्स और ट्रिक क्या हैं? वो टिप ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जानू मानू किससे बात कर रही है, आप वो सिर्फ आपको ही रिप्लाई नहीं कर रही है, किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रही, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की पिक आपकी गैलरी में ना आए, तो आप उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं? और नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चैट 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाए आपके दूसरे पर्सन से भी और आपके साइड से भी, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें किसी भी चैट के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके DP को ओपन करते ही हमें इस आई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हम ऊपर करेंगे और यहाँ से मीडिया विजिबिलिटी को ओपन करेंगे। हमारा ये डिफ़ॉल्ट पे होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी चैट जो है वो गैलरी में, हमारी जो व्हाट्सएप पे आई हुई तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं वो हमारी गैलरी में जा रही है, तो यहाँ से हम इसको नो कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी चैट के जो भी पिक्चर्स होंगी या वीडियोस होंगी वो हमारी गैलरी में नहीं जाएंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। नंबर 2 पे ये है कि हम अपनी चैट को कैसे 24 आवर के बाद डिलीट कर सकते हैं, अपनी जानू के चैट में से भी और अपनी चैट में से भी। उसके लिए हमें डिसअपेयरिंग मैसेजेस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ये ऑफ के ऑप्शन पे होगा। आप इसको 24 आवर्स के ऑप्शन पे कर सकते हैं। इस पे करने से ये होगा कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी चैट भी डिलीट हो जाएगी, आपकी चैट डिलीट हो जाएगी। या तो 24 घंटों के अंदर अंदर कर सकते हैं, या 7 दिन के अंदर कर सकते हैं, या 90 डेज़ के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बैक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि आपकी जानू मानू किससे बातें कर रही हैं और आपको क्यों नहीं रिप्लाई कर रही। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें उनकी चैट को ओपन करेंगे। चैट ओपन करते ही 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करेंगे। हमने इंक्लूड मीडिया, हमने ये भी देखना है कि उन्होंने कौन सी अपनी तस्वीरें या वीडियोस किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर की हैं। इंक्लूड मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोगों को इस ऐप को ओपन करना होगा। इस ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गो के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास हमारी चैट आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजेस देख सकते हैं, यूजर्स देख सकते हैं और डेज देख सकते हैं कि कितने दिन की चैट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी हमारी चैट हुई हुई है उस पर्सन के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट यूज्ड इमोजीज, जो सबसे ज़्यादा इमोजी यूज़ हुए हैं वो भी देख सकते हैं। मोस्ट साइलेंट लिंक जो है वो भी, सारा कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैट को शेयर करना है तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ये सारी लिंक जो है, अगर आप उनको प्रूफ देना चाहते हैं कि जी आप इनसे बात कर रहे थे या उनसे बात कर रहे थे, आप उस सारी चैट को, उस सारी मीडिया को शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद उस चैट पर किसी भी अपने पर्सन को, अपने गर्लफ्रेंड को सेंड करेंगे, उस पर्सन की चैट को क्लिक करेंगे और उनको सेंड कर देंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि मैंने आपका सारा यूज डाटा देख लिया, कि आप किन से बात कर रहे हो और कितनी देर आपने क्या बात की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।